आरपी सिंह जी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अगर कमाई बढ़ाई और जनता तक फायदा पहुंचाया तो इसमें क्या दिक्कत है, आप भी कीजिए ऐसा। जी धन्यवाद जी। जरा ये बता दीजिए कि दिल्ली में कितने नए स्कूल जोड़े पिछले 6 साल में, स्कूल जोड़े, कितने नए कॉलेज जोड़े, कितनी नए यूनिवर्सिटीज जोड़े सरकार की ओर से, कितने नए फ्लाईओवर बनाए, कितने नए अंडरब्रिज बनाए। सवाल का जवाब दीजिए ना, सवाल का जवाब। अरे सर आप टोकिए, सर आपको टोका गया, पहले सवाल अच्छी बात है, मैंने टोका नहीं इनको ना। अगर आपने फिर वापस डिबेट को उस मोड में जाना तो चलते हैं जी, वापस उसी मोड में चलते हैं। एक चैलेंज और सरकार करिएगा मेरा, आपको मैंने पहले पानी का चैलेंज किया, आपको भी चैलेंज दे रहा हूँ। अरे सुनिए, आपको भी चैलेंज दे रहा हूँ, अब तो आप सरकारी बंगले में रहते हो ना। अरे सुनिए, सरकारी बंगले में रहते हो, आपको दिल्ली सरकार का बंगला मिला हुआ, उस दिल्ली सरकार के बंगले का पानी पी लीजिएगा एक हफ्ता, उस दिल्ली सरकार के बंगले का पानी पी लीजिएगा और उसके बाद इलाज कराने आप सरकारी अस्पताल में जाइएगा। मेरा चैलेंज सरकार करिए, आप नहीं कर सकते ना। आप झूठ की डुगड़ी की बजाकर आप पानी की बात करते हैं, झूठा पानी की। चलिए, यहाँ मुझे किसी से जवाब नहीं मिल रहा, जल्दी से एक जवाब महिमा सिंह, मैं आपसे चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कम से कम आप मुझे जवाब देंगी। ओपीएस का जो आपका वादा है, आपकी सरकार का क्या प्लान है उस पर आप जवाब दीजिए मुझे। राजस्थान में किसानों को लेकर जो अजय आलोक थोड़ी देर पहले सवाल पूछ रहे थे, इस पर जवाब दीजिए मुझे। मेरे 2 सवाल है, दोनों सवालों के जवाब। अपेक्षाएं आपकी भी हैं अदिति जी, अपेक्षाएं हमारी भी होती हैं एक संतुलित पैनल की। आपके पैनल पर बीजेपी के 2 बैट्समैन हैं, ये बात बड़ी एहतियात के साथ कह रही हूँ। मैं बोल रही हूं विपक्ष के भी, नाउ यू हैव रेज्ड द पैनल, प्लीज नो, नाउ लेट मी फिनिश। विपक्ष सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, इसमें विपक्ष के भी 3 पैनलिस्ट हैं। आप अपनी भावनाएं अभी व्यक्त करेंगी और मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगी। नो, आई एम जस्ट गिविंग यू अ काउंटर आर्गुमेंट, आई एम गिविंग यू अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। इट इज 3 versus 2, ठीक है? ठीक है, जो है वो सर्वविदित है, दिखाई दे रहा है। हाँ मैम, जो दिखाई दे रहा वही मैं आपको बता रही हूँ। इट इज ऑपोजिशन की 3 पार्टीज वर्सेस बीजेपी एन एन एनालिस्ट। हाँ, सो प्लीज डोंट, दैट इज योर इंटरप्रिटेशन, यू डिड नॉट पुट इट टू द चैनल। आई विल डू व्हाट आई थिंक इज एप्रोप्रिएट अदिति जी, आई विल नॉट बी गवर्न्ड बाय योर माइंड। Thank you so much. No, I'm not trying to govern you, but I'm also not going to let you attribute anything to the channel. Do not put words in my mouth. I'm not putting words into your mouth. I'm just responding to what you said, madam. I'm just responding, please. मैं आपके पैनल पे अपने जो जितनी मेरी क्षमता है बौद्धिक तौर पर उसको लेकर आई हूं और उस बात को कहूंगी। देखिए, आपने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात पूछी, मैंने पहले भी कहा था कि राजस्थान में हम लागू कर चुके हैं, वहां हो रहा है लागू। और राजस्थान के अंदर अडानी की बात थोड़ी देर पहले पूछी गई थी, अडानी खुद आए राजस्थान, यदि वो वहां बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हुए आ रहे हैं क्योंकि गुजरात डेट ट्रैप में जा चुका है, तो मुख्यमंत्री तो उनका स्वागत ही करेंगे और वही उन्होंने किया है। और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के बाकायदा रिसर्चेस करके हमने अपने स्टैटिस्टिक्स को साथ रखा है और उन स्टैटिस्टिक्स के बलबूते पर हम कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे और कैसे उसको हम हमारी जो उम्मीद है, आकांक्षाएं हैं, उनको हम पूरा करेंगे, वो उसकी उसकी दिशा में हमारे बाकायदा पूरी टीम्स काम करती हैं और वो कर रही हैं और आप देखेंगे हिमाचल में आने वाले समय में वही होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पब्लिसिटी की बात मैं सुन रही थी, भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा और आपके जो विश्लेषक हैं उन्होंने भी कहा, तो जो पब्लिसिटी की बात है उस पर तो भाजपा से ज्यादा मैं समझती हूँ पैसा किसी ने खर्च नहीं किया है पिछले इतने सालों में। और उसके अलावा जो गुजरात की बात हो रही थी, गुजरात में 1.5 करोड़ लोग गरीबी में धकेले जा चुके हैं पिछले 5 वर्षों के अंदर अंदर ही, तो ये जितनी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, इन्होंने पूंजीपति मित्रों के कर्ज मिटाने की बात भी कर दी कि वो हमने नहीं किया है या इतना कर्ज वापस दिया जा चुका है। मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी ये बात बता सकती हूँ कि जितना ज्यादा डेट ट्रैप के अंदर जितना ज्यादा कर्जा हमारे इकोनॉमी के ऊपर आज मोदी जी के पूंजीपति मित्रों की वजह से है, उतना पिछले इतिहास में कहीं से भी नहीं रहा होगा। और हमारा जो आपने मुझसे पूछा कि हमारा प्लान क्या है, हमारा प्लान स्पष्ट है। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम, आपने छत्तीसगढ़ की बात भी की थी, छत्तीसगढ़ में जो किसान है उनकी कर्जा माफी जो थी वो 2 घंटे के अंदर कर दी गई थी जब सरकार वहां बनी थी। और इस बार आप स्पष्टता देखिए कि बघेल जी ने इस बार साफ साफ बोल दिया कि इस बार हम किसानों के कर्जा माफी का वायदा करने जा ही नहीं रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। तो कांग्रेस जो कहती है वही करके दिखाती है, रेवड़ियां बांटने की और ना खाने की फितरत हमारी है,
वो मोदी जी की है और भाजपा सरकार की है, वो वही करते हैं। ठीक है, आपने जो बातें कही मैं इस पर जवाब ले लूंगी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपने कहा कि रिसर्चर्स के पास ये प्लान होगा कि वो कैसे ये करेंगे, एक्चुअली आज जो जनता देख रही होगी उसके जहन में यही सवाल होगा। तो आपने ये कहा कि आपके रिसर्चर्स किस तरह की कर चुके हैं, मैंने कहा मैडम मैं ओपीएस को कैसे ओपीएस के लिए पैसा किस तरह से जुटाया जाएगा, मेरा सवाल उस संदर्भ में था। ठीक है, अब आप जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। राजस्थान में ऑलरेडी लागू की जा चुकी है। मैडम मैं बात कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश की, आप मुझे बता रही है राजस्थान की, मैं राजस्थान के किसानों की बात कर रही हूँ उस संदर्भ में। हम कर चुके हैं अदिति जी, वहाँ हम कर चुके हैं। मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रही हूँ, आई नॉट ऑडिबल टू यू। हिमाचल में तो अभी ओथ लेना बाकी है, जब ओथ ले ली जाएगी तो मैं सरकार प्लान होगा ना, वही प्लान आपसे पूछ रही हूं। एग्जैक्टली दैट इज द प्लान दैट आई एम आस्किंग यू अबाउट, जो राजस्थान में किया। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए आप। अजय आलोक पहले आपका जवाब, उसके बाद घनश्याम तिवारी। देखिए महिमा जी को मैं बताना चाह रहा हूं कि जरा कृपया करके जाके 22 जून 2022 आरबीआई की रिपोर्ट राजस्थान के बारे में पढ़ ले। पिछले साल जो आपने ओपीएस की बात की, हमने राजस्थान में लागू कर दिया, उसी के बाद आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि आपका टोटल डिपॉजिट कलेक्शन जो है राज्य सरकार की, जो कि केंद्र सरकार और अपने रेवेन्यूज को मिला के है, उसका आप 90% ऑलरेडी खर्च कर रही हैं सिर्फ अपने पेंशन पे, ओल्ड ओपीएस पे नहीं, जो एग्जिस्टिंग पेंशन थे उस पे, सैलरीज पे और अपने लोन को डेट को पे करने में। अब ये जो ओपीएस आपने लागू किया है, इससे आपका रेवेन्यू एडिशनल हर साल जीएसडीपी का 3% माइनस में चला जाते रहेगा, इसलिए रेड लिस्ट में डाला था आपको आरबीआई ने। इसका जवाब अभी तक ना राजस्थान सरकार ने दिया है कि हम कैसे रेवेन्यू बढ़ाएंगे ना क्या करेंगे, और शायद यही कारण था कि अडानी और बाकी लोग जब स्टेट में आए तो आपने ओपन आर्म्स से उनको स्वागत किया, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए स्टेट में ताकि स्टेट की रेवेन्यू बढ़े, ये अच्छी बात है। ठीक है, जवाब ले लीजिए, अब जवाब लीजिए महिमा जी, जवाब आपका। एक सेकंड, जवाब ले लीजिए सर, आप पॉइंट उठा रहे हैं ना। एक बात और, एक अजय जी मैं आपको काउंटर दिला रही हूँ, उसके बाद मैं वापस आपको मंच दे रही हूँ, क्योंकि आपने आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला दिया, आपने बाकायदा ये बताया कि कैसे इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल कर्ज के जाल में फंसे दिखाई दे रहे हैं। इन पांचों राज्यों में जीडीपी और कर्ज का जो अनुपात है वो बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कर्ज जीडीपी के 35% से भी ज्यादा हो चुका है, ये कहा जा रहा है। और जो पंजाब का ताजा हाल है उसके मुताबिक वर्ष 2026 तक कर्ज की सीमा जीडीपी के 45% से ऊपर हो सकती है, ये डेटा आपने रखा है। इस पर मैं महिमा जी से जवाब ले लेती हूँ, यही आप कह रहे थे ना आरबीआई की रिपोर्ट, अब जवाब ले लीजिए इस पर और फिर मैं वापस आपको मंच दे दूंगी। उसी के साथ साथ मैंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट भी आप साथ उठा लें, जो गुजरात को चेता रही है लगातार, जो मैंने पहले भी कहा 2017 से 18 के बीच में गुजरात क्या नेगेटिव में नहीं था, गुजरात का जो ग्रोथ रेट था क्या नेगेटिव में नहीं था, नकारेंगे आप इस बात को? तो सीएजी की रिपोर्ट को और आरबीआई की रिपोर्ट को आप साथ साथ रखें, आप हंगर इंडेक्स को नहीं रखेंगे, आप सीएजी की रिपोर्ट को नहीं रखेंगे, आप कितने लोग गरीबी संख्या के गरीबी रेखा के नीचे कितनी संख्या लोगों की गई आप उसको साथ में नहीं देखेंगे, लेकिन आप सिलेक्टिव डेटा पर बात करेंगे। क्षमा चाहती हूँ, इस तरह से तो एक बायस्ड डिबेट तो की जा सकती है, लेकिन अगर आपको एक फेयर डिबेट करना है तो उसके लिए तो आपको तमाम जो रिपोर्टें हैं उनको साथ रखना होगा और उसके हिसाब से बात करनी होगी। गुजरात, आपने अडानी की अभी बात की कि अडानी को ओपन आर्म्स से हमने वेलकम किया, बायस्ड एंड फेयर, यू आर राइट देयर इन दिस डिबेट। ना ना मैडम, सुन लीजिए मैम, ये ना ये राइट अप्रोच नहीं होती एक्चुअली। आपको अगर ये लग रहा है बाय प्लेइंग द विक्टिम कार्ड you will gain something out of this debate, no, that is what you are saying. आप शायद स्क्रीन देख नहीं रही है मैम, नहीं नहीं, आई एम नॉट जजमेंटल, यू हैव बीन जजमेंटल ऑन दिस डिबेट। पहले मैडम स्क्रीन देखिए, पहले आप स्क्रीन देखिए, इन्फॉर्मेशन देखिए। आपको पता नहीं, आपको राजस्थान क्यों ऐसा लग रहा है कि सिर्फ राजस्थान पे बात हो रही है? आपको याद नहीं कि जैस्मिन शाह से कितने सवाल पूछे गए यहाँ पर? जैस्मिन शाह राजस्थान में नहीं है, जैस्मिन शाह पंजाब और दिल्ली में है। तो मैम प्लीज, इट्स अ डिबेट फॉर जनता। अदिति जी, आप ये गलत जजमेंट्स देने की कोशिश ना करें। आप मैम, जजमेंट देना मेरा काम नहीं है, डिस्कशन मेरा काम है, ये मैं बार बार कहती हूँ। जजमेंट दे रही है लेकिन नहीं मैम, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आई एम सॉरी, आई एम ऑल्सो सॉरी, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर इंटरप्रिटेशन। एंड मैम, इसमें मैं और वक्त जाया नहीं करूंगी, मेरे पास सवाल है और वो सवाल मैं पूछूंगी। अब ये आपकी रणनीति हो या आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, जो भी हो मैम, सवाल पूछा जाएगा, जो भी इस डिबेट में आया उससे सवाल पूछा जाएगा, उसे सवाल का जवाब देना है। उसे सवाल में मीनिंग निकालने हैं और उसे लग रहा है कि जनता का ये सवाल नहीं होगा, तो ये उस पैनलिस्ट की अंडरस्टैंडिंग है।